सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरे वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ। भाई ने बॉडी बॉडी बना डाली, फैमिली पैक को बनाया सिक्स पैक। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के 23वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, थॉर लव एंड थंडर के 17वें दिन के कलेक्शन के बारे में, सवाज मेतु के 90वें दिन के कलेक्शन के बारे में और हीट द फर्स्ट किस के 90वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही जानेंगे इन सभी फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई और कौन सी फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं शहबाज मेतु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 2,66,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने 8वें दिन में यानी शुक्रवार के दिन में लगभग 7,00,000 का कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 2,73,00,000 हो चुका है। टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 3,40,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 30,00,000 कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3,70,00,000 हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के 90 दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 90 दिन में इंडिया में लगभग 9,00,000 का कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 28 से 35 करोड़ के रेंज में है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हो चुकी है। अब जानते हैं हिट द फर्स्ट केस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया में 7,93,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने 8वें दिन में यानी शुक्रवार के दिन में 27,00,000 का कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 8,20,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 9,85,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 80,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 8 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 10,65,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 90 दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 90 दिन में इंडिया में लगभग 30,00,000 का कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। अब जानते हैं रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया में 13,63,00,000 का कलेक्शन किया था, तो दूसरे हफ्ते में 9,42,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने तीसरे हफ्ते में 2,10,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 22वें दिन में यानी शुक्रवार के दिन में 5,00,000 का कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म की टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 25,20,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 31,15,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अब तक 14,15,00,000 का कलेक्शन कर लिया, तो वहीं ओवरसीज में लगभग 4,80,00,000 का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 22 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 35,95,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 23वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 23वें दिन में इंडिया में लगभग 10,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 50 से 60 करोड़ के रेंज में है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई है। अब जानते हैं थॉर लव एंड थंडर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में इंडिया में 86,02,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने दूसरे हफ्ते में 17,27,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 16वें दिन में यानी शुक्रवार के दिन में 1,05,00,000 का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 104,34,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 128,40,00,000 हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 16 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4,160 करोड़ हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने दिन में इंडिया में लगभग 1,20,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का ओवरऑल बजट लगभग 2,000 करोड़ है और ये फिल्म इंडिया में हिट साबित हो चुकी है, तो ओवरऑल में भी हिट साबित हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इन चारों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।